आज हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टडी करने वाले हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है तो बात की जाए नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या होता है, जब दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है। अब कहा जाए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो दो कंप्यूटरों के बीच में नेटवर्क क्रिएट करना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्किंग क्या होता है, दो कंप्यूटर के बीच में नेट उनको कनेक्ट करके उनके बीच डेटा ट्रांसफर करना नेटवर्किंग कहलाता है। सो आई थिंक आपको नेटवर्क, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये जैसे कीवर्ड क्लियर हो गए होंगे। देन नेक्स्ट स्टडी करते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे जैसे टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर में कुछ रूल्स होंगे जैसे कि सुबह 6 बजे सभी को उठ जाना है, 6-7 तक में, 10-11 बजे खाना बन जाना है, उससे पहले नाश्ते का एक टाइम होगा, फिर शाम को डिन खाना खाने का भी एक टाइम होगा ना। तो कुछ रूल्स है आपके घर के, वैसे ही इंटरनेट में भी कुछ रूल्स है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी भी कहा जाता है। एडवांस इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, नेटवर्क डिवाइस स्टडी करेंगे, हब स्विच राउटर क्या होता है, वाईफाई जो आप लोग बांटते हैं अपने घर में वो भी एक नेटवर्क का डिवाइस ही है, राउटिंग एल्गोरिदम, सबनेट एंड डिजिटल सिग्नल को भी स्टडी हम करेंगे। तो देखते हैं इन चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे पहले, तो इसके अंदर टोपोलॉजी हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन मैन वैन, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जब आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं तो यदि नेटवर्क स्लो हो या किसी प्रॉब्लम से डाउनलोड कभी ना कभी तो रुक जाता होगा, जब आप एक वाईफाई से दूसरा वाईफाई लिए आपका डेटा खत्म हो गया तो डाउनलोड रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है इसको हम जानेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर अपना नेटवर्क मॉडल, जिसमें टीसीपी आईपी मॉडल को हम स्टडी कर रहे होंगे। इसमें मेनली क्या होंगे, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो इन मॉड एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, जब मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ ना तो इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू ही ये मैसेज सेंड होता है। पहले एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कौन से नेटवर्क के थ्रू, कौन सा डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस वहां जाएगा। तो एक प्रोसेस होती है आ एक मैसेज को दूसरी जगह भेजने की, तो हम उसको स्टडी करेंगे। देन थर्ड चैप्टर है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आईपी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जानेगा। और एक होता है आईपी एड्रेस, आपके घर का तो पता होगा ना कि आपका घर एमपी में यहाँ है या यूएसए में कहीं भी है, वैसे ही आपके मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का पता, आपके कंप्यूटर का भी एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 देखेंगे, आईपी वर्जन 6 के होते हैं, आईपी कौन कौन से वर्जन, आईपी की क्लासेस होती है, 5 क्लासेस होती है, आईपी हेडर देखेंगे, डोमेन नेम क्या होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, ये सभी चीजों को हम स्टडी कर रहे होंगे थर्ड चैप्टर में। देन फोर्थ चैप्टर, थर्ड का ही एक एडवांस वर्जन है या कुछ नए टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो इसके आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, डायनेमिक स्टैटिक चैनल, इन सभी को हम स्टडी कर रहे होंगे ओवरव्यू। देन चैप्टर 5 जो होगा, इसके हम नेटवर्क डिवाइस, तो आप देख सकते हैं इतने प्रकार के नेटवर्क डिवाइस, मॉडम हो गया, एनआईसी, इसी में आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच राउटर ब्रिज गेटवे क्या होता है, हम ये सारी चीजों को नॉर्मली और डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो होगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या होता है,
क्या होता है, एलआरएस क्या होता है, ये सारी चीजों को हम देख रहे होंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नल, ओ सॉरी सबनेट सुपरनेट, ये गलत आ गया, डिजिटल सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे। देन जो लास्ट चैप्टर होगा अपना, हाँ ये, और इसके बाद सबनेट और सुपरनेट का कुछ टॉपिक्स है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको इसमें ओवरव्यू मिल गया होगा, इसमें क्या पढ़ने वाले क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप इस कोर्स को परचेस कर रहे हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट ही बता रहा हूँ आई थिंक, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। तो क्या करना है, वो गूगल में जाना है, जहाँ यूआरएल लिखते हो वहाँ लिखना है hackerking.in लिखना है, इंटर प्रेस करना है, तो एक वेबसाइट आ जाएगी खूबसूरत सी, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको मल्टीपल कोर्सेस मिल जाएंगे। तो जो आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी कर रहे हैं, इसका गेट एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, या बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स निभा रहा होता है, कॉलेज में भी यूज होता ही है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप एथिकल हैकिंग पढ़ते तो वहाँ भी इसका यूज होता है, प्लेसमेंट में भी नेटवर्किंग से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पास आप मल्टीपल कोर्सेस भी देख सकते हैं जो आपको पढ़ना हो, ठीक है। और आपका ये रहा कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद डेटाबेस आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे सिलेबस के साथ हर एक चीज। तो ठीक है, आपको ये लेक्चर से अटेंड करना है, नोट्स आपको यहाँ से ले लेने हैं, देन आपको स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो एक थॉट है, जो हैप्पीनेस होता है वो वे ऑफ लाइफ होता है, जीवन जीने का तरीका क्या है, हैप्पीनेस, खुश रहना, ठीक है। हम क्या खुशी को पाने के लिए कुछ कार्य करते होते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस एक तरीका है जिंदगी जीने का, और सक्सेस कभी भी डेस्टिनी नहीं हो सकता, ठीक है। आप किसी एक गोल को बनाइए कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये पाना है, आप उसको पा गए, यार आप सक्सेस हो गए, नहीं, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो एक पल है जो आया, उसके आगे आपको बढ़ जाना है, ठीक है। और जब सक्सेस को आप अचीव करना चाहेंगे तो एक फेलियर नाम का वर्ड होता है, जो सक्सेस का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो जब आप सक्सेस पाना चाहेंगे तो फेलियर भी आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, तो आपको उसको ही फेस करना होगा, तब जाके आप सक्सेस अचीव करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क हम नाएंगे स्टडी कर रहे होंगे।